आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा, पाकिस्तान अब कारगिल जैसी जरूरत नहीं करेगा, पाकिस्तान ने उसका दुष्परिणाम भुगता। मोदी के जाति पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल अदालत में पेश, 10,000 के बांड पर हुई जमानत। बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू, कश्मीर समस्या के लिए बताया कांग्रेस को जिम्मेदार। ग्वालियर में दिन दहाड़े कैश वैन से लूट, लुटेरों ने चलाई गोलियां, एक गार्ड की मौके पर ही मौत। और धमतरी के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 4 नक्सली मारे गए, कुछ नक्सली जंगल में भागे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इन दिनों भले ही कम हो, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। इस बीच सेना प्रमुख का बयान आया है कि पाकिस्तान फिर से कारगिल जैसी गलती नहीं करेगा। ऑपरेशन विजय के 20 साल पूरे होने के मौके पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान 1999 में कारगिल जैसी घुसपैठ की हिम्मत अब नहीं करेगा, क्योंकि उसने इस जरूरत का दुष्परिणाम भुगता है। उन्होंने जोर देकर बताया कि सुरक्षा बल सीमा की कड़ी निगरानी कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर उनकी निगाहें हैं। जनरल रावत ने कहा कि कारगिल में घुसपैठ की घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सीमित युद्ध को सेना ने ऑपरेशन विजय का नाम दिया था। सेना प्रमुख ने कहा कि देश की सीमा का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो हमने बिना सुरक्षा और निगरानी के छोड़ा हो। सभी इलाकों में कड़ी निगरानी और नियमित गश्त का कार्य चल रहा है। जनरल रावत ने कहा, हम नहीं सोचते कि पाकिस्तान कारगिल जैसी घुसपैठ की अब कोई कोशिश करेगा। इस वक्त हमारी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, अपने जितने भी इलाके हैं उसके ऊपर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं, हमारी पेट्रोल्स लगातार जाती रहती हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई, पहली बात पाकिस्तान हिम्मत करेगा, क्योंकि नतीजा वो देख चुका है। तो इससे मैं आपको साफ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में इस तरह की कार्रवाई कभी पाकिस्तान हमारे साथ करने की कोशिश करेगा। सेना प्रमुख ने कहा कि कारगिल के पाकिस्तान ने जो दुष्परिणाम झेले, उससे विश्वास है कि आने वाले दिनों में और कई वर्षों में पाकिस्तान भारतीय भूमि पर कोई घुसपैठ जैसा कदम नहीं उठाएगा। जनरल रावत ने बताया कि सेना ऑपरेशन विजय के 20 साल पूरे होने का समारोह मना रही है, जबकि उसकी उत्तरी कमान और 14 कॉप्स कई हफ्ते चलने वाले कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सेना की इन दोनों शाखाओं ने सबसे आगे रहकर कारगिल युद्ध में कार्रवाई की थी। कार्यक्रम के दौरान जनरल रावत ने कारगिल के योद्धाओं को समर्पित मशहूर गीतकार समीर के लिखे विशेष गीत का वीडियो लोकार्पित किया। इस वीडियो में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार सलमान खान, विक्की कौशल और अन्य प्रमुख लोगों ने भूमिका निभाई है। पटना में राहुल गांधी ने कहा कि वे अपने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर कायम है। राहुल सुशील मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में पटना कोर्ट में उपस्थित हुए, उन्हें 10,000 के मुचलके पर जमानत दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिन की यात्रा पर पटना पहुंचे, यहाँ उनके खिलाफ चल रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर मानहानि के मामले में उन्हें जमानत मिल गई। मोदी ने राहुल गांधी पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट पहुंचे, जहां उनके मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में राहुल गांधी को 10,000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई। इसके बाद राहुल ने मीडिया के सामने एक बार फिर से अपने इस्तीफे पर कायम रहने की बात कही। आरएसएस की विचारधारा, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, ना खड़ा होता है उस पर आक्रमण होता है, कोर्ट होता है। मेरी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, हिंदुस्तान के गरीब खड़े होने की, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े होने की है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, और हिंदुस्तान की जो आवाज है जा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बड़े नेताओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हरा दिया, यह कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण हुआ। जहां एक तरफ विजयवर्गीय ने मोदी और शाह की तारीफ की, वहीं कश्मीर समस्या के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। सदस्यता अभियान को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि देश में एक भी बूथ ऐसा नहीं होगा जहां बीजेपी का सदस्य न हो, भाजपा को सर्वव्यापी पार्टी बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया
और कहा कांग्रेस के बड़े नेताओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरा दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ मुश्किल से अपने बेटे की सीट बचा पाए। चुनाव से पहले कोई नहीं बोलता था कि बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी के 11 करोड़ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को जीत दिलाई है। विजय वर्गीय ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि नेहरू ने कश्मीर की समस्या का हल नहीं किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया था। और इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि भोपाल की सीट बड़ी सुर्खियों में थी और सारे देश में इसके पीछे बहुत कयास लगाई जा रही थी कि बड़े नेता हैं कांग्रेस के, क्या होगा। पर कार्यकर्ताओं की कर्मठता ने बड़े नेताओं को भी हार का टेस्ट बता दिया, इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। विजय वर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी और शाह के बल पर लोकसभा में जीत मिली है। मोदी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं वहाँ उनका बहुत सम्मान होता है। मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है। दुनिया की किसी भी समस्या को लेकर पीएम मोदी की राय महत्वपूर्ण हो गई है। सदस्यता अभियान को लेकर विजय वर्गीय ने कहा कि ये अभियान 6 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा, जिसमें हर बूथ पर कार्यकर्ता बनाए जाने का लक्ष्य है। ग्वालियर शहर में अज्ञात बदमाशों ने एक बैंक की गाड़ी पर फायरिंग करके लाखों रुपए लूट लिए। इस घटना में वाहन में सवार गनमैन की मौत हो गई, जबकि वाहन चालक घायल हो गया। लूट की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों ने भरी दोपहर में शिवपुरी लिंक रोड इलाके में इस घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने हमला कर लाखों रुपए लूट लिए। मोटरसाइकिल पर आए 3 हमलावरों ने इस घटना को मात्र कुछ सेकंड में अंजाम दे दिया। शहर के कंपू थाना क्षेत्र स्थित शिवलोक लिंक रोड पर सिक्योर ट्रांस कलेक्शन कंपनी की गाड़ी मारुति सुजुकी शोरूम और फ्लिपकार्ट के ऑफिस से करीब 8 लाख रुपए का कलेक्शन कर सिटी सेंटर HDFC बैंक के लिए जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर आए 3 बदमाशों में से एक ने गाड़ी में गार्ड को गोली मारी और नोटों से भरा थैला लेकर भागे। इन लोगों ने गाड़ी से निकलकर भाग रहे एक अन्य युवक पर भी फायर किया। बदमाश ने बाइक से उतरते ही पिस्टल तानकर हाथ ऊपर करने के लिए कहा। गनमैन रमेश तोमर ने गन निकाली, तभी बदमाशों ने उसे गोली मार दी। चालक रंजीत पर भी एक फायर किया गया। कैशियर रितेश गाड़ी से निकलकर भाग गया। बैग गाड़ी की सीट से लेकर बाइक सवार बदमाश भाग गए। गनमैन रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने नाकेबंदी करके 2 संदेहियों को पकड़ाया। ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। धमतरी के सिहावा क्षेत्र के जंगल में एक सर्चिंग के लिए निकले सुरक्षा बल की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। करीब 1 घंटे चली इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए नक्सलियों के सब सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही घटना स्थल से बड़ी तादाद में हथियार भी जब्त किए गए। इस मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक KP चंदेल ने बताया कि शनिवार की सुबह 5:30 बजे धमतरी जिले के नक्सल प्रभावित नगरी सिहावा क्षेत्र के मेचका थाना क्षेत्र के मादागिरी के जंगल में मुठभेड़ हुई। STF वगैरह और DRG की टीम ने मादागिरी की पहाड़ी में नक्सलियों के होने की खबर मिली थी। इसके बाद यहां सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। नक्सलियों ने पुलिस को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 नक्सलियों को मार गिराया। अन्य नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। मौके से नक्सली सामग्री और हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कि एक अन्य नक्सली को भी गोली लगी है, जिसे उसके साथी अपने साथ उठाकर जंगल में ले गए। सुरक्षा बल ने बाकी नक्सलियों की तलाश में अपना अभियान तेज कर दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई बीजेपी ने नहीं राम भगवान ने बढ़ाई है। यह चुनाव बीजेपी ने राम भगवान के नाम पर लड़ा था। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बढ़ रही महंगाई पर भगवान राम को दोषी ठहराया है। प्रद्युम्न सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में महंगाई भगवान राम के कारण बढ़ रही है। महंगाई बीजेपी ने नहीं भगवान राम ने बढ़ाई है। बीजेपी ने राम भगवान के नाम पर चुनाव लड़ा था और राम भगवान का मंदिर आज तक नहीं बना। अब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो यही बोला जाएगा कि दाम बढ़ने की वजह भगवान राम है। अब गरीब साइकिल पर चलने को मजबूर होगा। प्रद्युम्न सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी राम भगवान के नाम पर सत्ता में आती है और फिर उनका ही मंदिर नहीं बन पाता। चुनाव में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसा मुद्दा ही नहीं था। चुनाव राम और शहीदों के नाम पर लड़ा गया तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। महंगाई भगवान राम ने बढ़ाई है, तो ये चुनाव भगवान राम के नाम पर लड़ा गया था, आपको मालूम है। पर भगवान राम आज भी परेशान हैं कि उनका मंदिर आज तक नहीं बना। पेट्रोल डीजल के राम मोदी जी ने नहीं बढ़ाए, भगवान राम ने बढ़ाए, वो तो ये कहेंगे ही, क्योंकि ये चुनाव का मुद्दा, ये चुनाव जीता गया उसमें महंगाई का मुद्दा नहीं था। क्यों नहीं था? इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों नहीं था? इसमें बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं था? ये चुनाव सिर्फ उन शहीद सैनिक की विधवा
के सिंदूर पे चुनाव लड़ा गया था। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दंत चिकित्सक लेकर आए हैं डेंटिस्ट्री की एक नई सदी, उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस। उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस में डेंटिस्ट देंगे दांतों को खूबसूरत और स्वस्थ रखने की राय, तो आना ना भूलें। 7 जुलाई, काना फन सिटी, भोपाल। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद विधानसभा में पहली बार वित्त मंत्री तरुण भनोट बजट प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले नए विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम हुआ और विधानसभा की परंपरा अनुसार विधानसभा के सभी सदस्यों का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। वर्षाकालीन विधानसभा सत्र से पहले नए विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम विधानसभा में सम्पन्न हुआ, जहाँ नए विधायकों को विधानसभा के नियम कायदों के बारे में जानकारी दी गई। इस सत्र में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस के द्वारा वचन पत्र में किए गए वादों की झलक कांग्रेस सरकार के बजट में दिख सकती है, जिसमें किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों को विशेष रूप से राहत मिलने की उम्मीद है। विधानसभा की परंपरा अनुसार सत्र से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति सहित सभी मंत्री, विधायकों व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के अलावा विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों का फोटो सेक्शन किया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे उठाने की बात कही। गोपाल भार्गव ने कहा किसानों का ऋण माफी अभी तक नहीं हुआ है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। गोपाल भार्गव ने कहा कि इस सत्र की सीमा कम है और चर्चा के लिए मुद्दे बहुत हैं। मुद्दों की तो भरमार है इस बार के सत्र में, चूँकि 6-7 महीने के बाद जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं कोई ऐसा सत्र नहीं हुआ जिसमें हम लोग व्यापक रूप से राज्य के विषयों पर चर्चा कर सकें। आपने भी देखा होगा पहला सत्र था शपथ के लिए सिर्फ, दूसरा सत्र था वो अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं, प्रश्नोत्तर भी नहीं हुआ कुछ। 3 दिन का सत्र था जिसमें 1 दिन की छुट्टी हो गई। ये जो बजट सत्र, इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था, गवर्नर महोदया को भी लिखा था कि कम से कम 5 सप्ताह का सत्र होना चाहिए। इसमें ध्यान आकर्षण सूचनाएँ भी आएंगी, स्थगन सूचनाएँ भी आएंगी, बजट पर भी विभाग बार व्यापक चर्चा होगी, विनियोग विधेयक भी आएगा और सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कश्मीर मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ कश्मीर युवकों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ SMS के जरिए कश्मीरी युवकों को बदनाम किया जा रहा है। दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर रोक लगाने के साथ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कश्मीर मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। अमित शाह पर प्रहार करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक तरफ अमित शाह अपनी रिपोर्ट में कश्मीरी युवकों को मुख्यधारा से जोड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कश्मीर के लोगों के खिलाफ चल रहे SMS पर रोक नहीं लगा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर कश्मीर के लोगों के खिलाफ, उन्हें एंटी नेशनल कहते हैं, पुलवामा की घटना को लेकर जिसने भी इंटेलिजेंस फेलियर का प्रश्न उठाया उसको उन्होंने एंटी नेशनल घोषित कर दिया। किन्होंने? एक संस्था है जो कि RSS से संबंधित है, उसके शिकायतों पर कई कश्मीरी लड़कों को, लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको पीटा गया, उनको जेल भेजा गया और उसके पश्चात उन्हें परेशान किया गया। ऐसे लोगों का एक RSS की संस्था है जिन्होंने पत्रकारों को पत्रकार के रूप में सम्मान किया, जिन्होंने इस प्रकार की पोस्टिंग सोशल मीडिया पे की।
तो मैंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि आप एक तरफ तो इनको विश्वास में लेने की बात करते हो, दूसरे उन लोगों को सम्मानित करते हो जो उनके खिलाफ इनको एंटीनेशनल घोषित करते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? फेक न्यूज और इस प्रकार के जो गाली गलौच लोग प्रेरित करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा है जिसमें इस प्रकार के SMS और व्हाट्सएप पर रोक लगाने की मांग की है। दिग्विजय ने RSS को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि RSS की एक संस्था कश्मीरी लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के अनुसंधानकर्ता की टीम ने नरसिंहपुर में नर्मदा पर 3000 साल से 3 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म और पाषाण अवशेष की खोज में बड़ी सफलता हासिल की है। माना जा रहा है कि नर्मदा किनारे की गई इस खोज से भूतकाल के कई रहस्यों से पर्दा उठने में सहायता मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि नर्मदा घाटी सभ्यता कई लाख वर्ष पुरानी है जो अब विलुप्त हो चुकी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने नरसिंहपुर में नर्मदा की तलहटी में 3000 साल से लेकर 3 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म और पाषाण अवशेष की खोज की है। वैज्ञानिकों द्वारा नर्मदा किनारे की गई इस खोज से भूतकाल के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने में बड़ी मदद मिलेगी। मोहाली से आए शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ आदि मानव की जीवन शैली और उनके जीवाश्म की शोध पिछले 6 माह से किया जा रहा है, जिसमें शोधकर्ताओं को कई जीवाश्म महत्वपूर्ण अवशेषों के रूप में सफलता हाथ लगी है। नर्मदा किनारे मिल रहे जीवाश्म एवं औजारों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किसी सभ्यता का अस्तित्व रहा होगा। आदि मानव के औजार मिलना इसका प्रमाण है कि यह सभ्यता लगभग 3000 से 3 लाख साल पुरानी है। और जो काफ़ी सारे जो फॉसिल्स मिले हमको, जो पुरानी जीव जंतु है नर्मदा जी के किनारे जो रहते थे पिछले 30,000 साल से लेके आसपास 3 लाख साल के बीच में, ये फॉसिल्स हो सकते हैं। और इसमें हमको ये खोज में आया कि इसमें काफ़ी सारे नए साइट्स हैं इस बार, क्योंकि रिसर्च यहाँ पे पहले भी हो चुकी है। और इसमें हमको ये पता चला कि कुछ नए स्पीसीज़ की एनिमल्स यहाँ पे मिलने का जैसे है। जली जीव और विलुप्त हो चुके प्राणियों के जीवाश्म मिलने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नर्मदा घाटी के किनारे बड़ी संख्या में वन्य प्राणी रहा करते थे। नर्मदा नदी के दोनों ओर विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ियों में चल रही खोज एवं शोध में वैज्ञानिकों को मिली सफलता के चलते कई वर्ष पुराने रहस्यों से पर्दा उठने की उम्मीद है। IISR की अन्वेषण टीम सिंधु घाटी और हड़प्पा की तरह ही नर्मदा घाटी की सभ्यता की खोज करने यहाँ आई हुई है। हाँ, ये एक रिसर्च टीम मोहाली से यहाँ पे आई थी ASI के, उस पर उस टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने यहाँ पे जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, पॉजल्स हैं, कुछ औजार हैं पुराने पत्थर के बने हुए, कुछ मिट्टी के उन्होंने नमूने लिए हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने यहाँ पे कलेक्ट की हैं जो ये बताती हैं कि ये मानव के द्वारा निर्मित हैं और करीब 30,000 साल से लेकर 3 लाख साल तक की पुरानी है, ये यहाँ पे उन्होंने जमा की। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं भोपाल में करोन में अंडरब्रिज के नीचे पानी में एक बस फंस गई जिसे घंटों बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश बरस रही है, नदी नाले सब उफान पे हैं। भोपाल में तो करोड़ों की लागत से बने करोंद रेलवे अंडरब्रिज में पहली बारिश में ही पानी भर गया। पानी भरने की वजह से इसमें एक बस फंस गई, इसमें कई यात्री सवार थे। कई घंटों के बाद नगरपालिका की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला, तब जाकर लोग इस बस से निकल सके। पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, इसमें तमाम बड़ी नदियों में जल स्तर बढ़ गया है। कई स्थानों पर हाईवे का ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। आधी रात के वक्त ऑटो में आए 2 बदमाश एक लड़की की लाश को उसके घर के पास रखकर भाग गए। ये लड़की पिछले 3 दिन से अपने घर नहीं आई थी। इस लड़की से दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। मामला शिवपुरी का है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। शनिवार सुबह कृष्णापुरम कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवती का शव एक घर के बाहर पड़ा मिला। युवती की पहचान शिवांगी शर्मा के रूप में हुई है। शिवांगी पिछले 3 दिनों से अपने किसी सहेली के घर पर थी। देर रात 2 लोग एक ऑटो में बैठकर आए और शिवांगी के शव को घर के बाहर बने चबूतरे पर फेंक कर चले गए। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब लोग उठे तो लाश देखकर घबरा गए। ये लड़कियों को बुला बुला के घर पे ले आती थी, जूली रूबी ये कुछ नहीं, अपने आप ही 2-4 दिन से ही अपने आप ले गए। नशा मसा करवाती थी, नहीं उस ये लड़की नहीं करती थी, इसको करवाया गया। ये लड़की कोई उस मामले में नहीं थी, ये स्मैक का हाँ वो सभी मामले में कल परसों से इसको की, हमने रिपोर्ट भी डाली तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी थी कोतवाली। उन्होंने कहा कि लड़की पे आप पहले वो करो, मैंने कहा हम तो वैसे उसको डांट रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कि हम इसको पकड़वा सकते हैं केवल वो नहीं कर। 2-4 दिन से हुई नहीं, लड़की हमारी इस टाइप की नहीं थी। कृष्णपुरम कॉलोनी में एक अज्ञात लड़की का शव मिला है
जिसका मर्ग टाइम पर जाँच की जा रही है। हाँ मिले हैं उन्हें, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन बेस्ट लगता है कि इसकी मृत्यु किसी जहर के खाने से हुई है, इसके द्वारा जाँच करके कार्रवाई। इसने तो सब जो कार्रवाई अपने हिसाब से कर रही है, जो सूचना मिलेगी उस पर कार्रवाई करेगी। शिवांगी की लाश मिलने की खबर पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिए। एफएसएल प्रभारी ने लड़की से दुष्कर्म की आशंका जताई है। इस मामले में भी पुलिस की लापरवाही साफ साफ नजर आई। शिवांगी के घरवालों ने उसके घर से जाते ही इसकी जानकारी पुलिस को दी थी और बताया था कि कुछ लड़के लड़कियाँ उसे बरगला के अपने साथ ले गए हैं, लेकिन समय रहते पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस समय पर एक्शन लेती तो संभव है शिवांगी अभी जीवित होती। रीवा के एक नर्सिंग होम में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए भ्रूण परीक्षण कर रहे डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर के घर से बिना रजिस्ट्रेशन हुई भ्रूण परीक्षण करने की मशीन भी बरामद हुई है। रीवा जिले के खुटई स्थित अग्रवाल नर्सिंग होम में डॉक्टर अरुण अग्रवाल के द्वारा उनके निजी निवास में भ्रूण परीक्षण किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परीक्षण करते वक्त डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर कई बार भ्रूण परीक्षण करने की शिकायतें रीवा कलेक्टर को मिलती रही हैं। इसके बाद रीवा कलेक्टर ने पुलिस की मदद से एक टीम गठित कर नर्सिंग होम में डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा, जहां डॉक्टर के घर से बिना रजिस्ट्रेशन मशीन भी बरामद की गई जिसके द्वारा ये परीक्षण किया जा रहा था। भारत सरकार का एक्ट है पीसीएम पीएलडीटी एक्ट, प्रसव पूर्व निदान तकनीक 1994, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। हर सोनोग्राफी मशीन सीएमएचओ कार्यालय से आजकल कलेक्टर कार्यालय से रजिस्टर्ड होती है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति मशीन रख नहीं सकता, मशीन का संचालन नहीं कर सकता, मशीन का संचालन करता का भी रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे बड़ी बात है कि इस मशीन में ना तो मशीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है कलेक्टर कार्यालय में, ये मशीन अवैध रूप से यहाँ पे रखी जा रही थी और इसका बार बार शिकायत आ रही थी कि भ्रूण परीक्षण के लिए इसका उपयोग होता है। इसी के तहत कलेक्टर साहब के निर्देश पर ये कार्रवाई यहाँ पे की गई। मध्य प्रदेश एनएसयूआई ने शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पुरानी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश वाली किताबें न वितरित की जाएं। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि कई स्कूलों में जानबूझकर पुरानी किताबें बांटी जा रही हैं। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। विवेक त्रिपाठी का कहना है कि शासकीय स्कूलों में बच्चों को पुरानी किताबें वितरित की गई हैं। किताबों में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश है, जबकि इनमें मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश होना चाहिए। त्रिपाठी का कहना है कि पिछले वर्ष जो किताबें बांटी जानी थी वो बच्चों को इस वर्ष बांटी जा रही हैं, इसके पीछे कमीशन का खेल नजर आता है। मैं पढ़ रहे बच्चों के कुछ पेरेंट्स ने मुझसे संपर्क किया था, उनकी शिकायत थी कि अभी 4-5 दिन पूर्व से उनके बच्चों को जो किताबें बांटी जा रही हैं वो पुरानी है, उसमें जो संदेश है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का संदेश है। हमने जब स्कूल प्रबंधन से बात करने की प्रयास किए तो उनका कहना है ऐसी कोई भी किताब हम नहीं बांट रहे हैं, परंतु आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और स्कूली शिक्षा मंत्री महोदय के संज्ञान में पूरे विषय लाया है और हम दो उस पर मांग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दो बिंदुओं पर जाँच हो कि हमें ऐसा लगता है कि पिछली बार जो किताबें बच्चों को बांटी जानी वो बांटी नहीं गई, या दूसरी तरफ संख्या से ज्यादा किताबें कमीशन के लालच में संख्या से ज्यादा किताबें छापी गई हैं, जिसका कहीं ना कहीं हम समझते हैं बजट का दुरुपयोग किया है। तो इस पूरे मामले पे जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रीवा गोविंदगढ़ टीआई का आम देने वाला ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद टीआई की किरकिरी होने लगी है। वसूली में व्यस्त और निष्पक्षता से कार्य न करने की वजह से क्षेत्र में कई संगठनों ने टीआई का जमकर विरोध किया है। रीवा के कई सामाजिक संगठनों ने गोविंदगढ़ टीआई सुनील कुमार गुप्ता के द्वारा दिए गए बयान को बेतुका बताया और निंदा प्रस्ताव पेश किया। बताया जा रहा है कि कुछ समय से गोविंदगढ़ टीआई वसूली और निष्पक्ष कार्य करने की बजाय कुछ अन्य कामों के कारण लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनका क्षेत्र में जमकर विरोध हो रहा है। ग्रामवासी और युवा एकता परिषद के द्वारा रीवा आईजी को ज्ञापन सौंप कर टीआई बदलने की मांग की गई थी। बाद में आवाज उठाने वाले लोगों को शांत कराने की बात टीआई द्वारा की जा रही थी। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि संगठन की सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं और एक उसकी नियमावली होती है, जिन पर टीआई साहब द्वारा आरोप लगाया गया है वो विकास अग्निहोत्री अपने युवा एकता परिषद के जिला संयोजक हैं और गोविंदगढ़ के प्रभारी हैं। उन्होंने ग्रामीणजनों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाई और आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें ज्ञापन आईजी महोदय को दिया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर टीआई साहब द्वारा इस तरीके का अनर्गल बयान दिया जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि विकास भाई जो हैं लगभग 6 वर्ष से पैरालाइज से पीड़ित हैं, जो खुद किसी के सहारे के बिना कहीं आ जा नहीं सकते, और वो जो प्रकरण
आपराधिक प्रकरण की टीआई साहब बात कर रहे हैं वो लगभग 7 वर्ष पुराना प्रकरण है जो कोर्ट में विचाराधीन है। एक मारपीट का साधारण सा प्रकरण है, इसमें टीआई साहब को इस प्रकार वक्तव्य देना कतई शोभा नहीं है। कोविंगर टीआई किसी को भी गुंडा बदमाश बता देते हैं, उसने अपने खिलाफ ज्ञापन देने वाले को भी अपराधी बता दिया। ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद टीआई ने ऑडियो पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आम की मांग की जा रही थी, इस कारण हमने आम देने की बात की। टीआई द्वारा मीडिया के सामने कही गई बातें निंदा का विषय बन गई है। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो टीआई साहब ने अनर्गल आरोप लगाए हैं युवा एकता परिषद के सदस्यों को कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ये बिल्कुल गलत है। और लगातार जो उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, आईजी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, वो बिल्कुल सही है। और हर ग्रामीणों की मांग यही है कि टीआई को बदला जाए, और कई आरोप टीआई के ऊपर लग चुके हैं, हर जगह लग चुके हैं, यही बस थाना नहीं है। और रीवा का दुर्भाग्य है, अपने गोविंद हमारे गोविंदगढ़ का दुर्भाग्य है कि ऐसा टीआई हम लोगों के बीच में आए हैं। और यही अनुरोध है सरकार से कि वो टीआई को जल्द से यहाँ से बदले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गोविंदगढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों और युवा एकता परिषद के द्वारा थाने का घेराव किया गया और जिस मामले को उठाने का प्रयास किया गया, और जहाँ बात रही थाना प्रभारी के द्वारा, तो निरंतर उस मामले को दबाने का प्रयास किया गया। और जिस तरह से किसी संगठन का काम होता है, उसकी एक दिनचर्या होती है, नियमावली होती है, समाज के बीच रहकर किस तरह काम करना है, और समाज किसी भी संगठन का काम जानता है कि संगठन क्या काम करता है। हुजूर विधायक एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने अपने जन्मदिन पर समाज को समर्पित करने वाले संत हृदयराम साहिब के समाधि स्थल पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। संत हृदयराम नगर में हुजूर विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा के जन्मदिन के मौके पर कई आयोजन हुए। विधायक रामेश्वर शर्मा सुबह संत हृदयराम जी की समाधि स्थल पर माथा टेकने पहुंचे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि आपकी कृपा, आपके आदर्श सदैव मेरे सार्वजनिक जीवन में सहयोग प्रदान करते रहेंगे। रामेश्वर शर्मा का भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा संत की कुटिया के बाहर जोरदार स्वागत किया गया। जन्म दिवस के अवसर पर रामेश्वर शर्मा ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने की पहल की और लोगों से भी पर्यावरण बचाने के लिए अपील की। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि स्वच्छता अभियान जब भारत में सर्वोपरि हो सकता है तो जल बचाओ और पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, ये अभियान भी सफल हो सकता है तो हर हिंदुस्तान हरा भरा देखेगा, खुशहाल देखेगा। जनता की सेवा में हम सदैव तत्पर रहें और सेवा करते रहें, ऐसा ही संत शिरोमणि हृदयराम साहिब का निर्देश है, ऐसा ही हमारे पूर्वजों का निर्देश है और ऐसा ही माँ भारती का निर्देश है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, आजकल तो ऐसे बल्ले बल्ले हो रही राजनीति में, खूब डंडे बल्ले खूब चल रहे हैं, अधिकारियों की पिटाई हो रही है। मैं तो अधिकारियों से बोल रहा हूँ, भैया हेलमेट वगैरह पहन के जाओ, मैं कोई भरोसा नहीं कोई बल्ला लेके आ जाए। हाँ, ये आकाश विजयवर्गीय हैं, कैलाश विजयवर्गीय की बेटी हैं, इंदौर से विधायक है, इन्होंने बल्ला लेके अधिकारी की पिटाई कर दी। वो बताओ जेल भी चले गए उस चक्कर में, और जेल से छूट के आए तो उनका ये सब स्वागत हुआ जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़के आ रहे हैं, बता रहा हूँ। ये तो आजकल चल रहा है, ये निवेदन धनादन और निवेदन या क्या, कौन से संस्कार आ गए पार्टियों में, ये तो चल रहा है। मोदी जी ने भैया खुल के बोल दिया है, बोले ऐसे किसी का भी बेटा बेटा हो बेटी उनको भगाओ जैसे लोगों को पार्टी में, भैया ये पार्टी की इज्जत खराब कर, ये तो चल रहा है। और वर्ल्ड कप में देखो, इंडिया जो इंग्लैंड का मैच हुआ था उसमें इंडिया हार गई, और पाकिस्तानी नो पाकिस्तानी लोग संस्कार वाले हैं, बता रहे हो ऐसा दुख हुआ उनको भाई के हारने का, ऐसे वलल वलल करके आंसू बहा रहे थे, पुराने खिलाड़ी भैया थे वलल वलल करके रो रहे थे। हाँ, वो अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में मेरे को समझ में आई कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रही है। हाँ, असली बात बाद में समझ में आई मेरे को। और फिर ये एक बात बता रही हूँ, अभी ये जो इनका मैच होना है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया को भी पसीने आ दी, तो इनका तो बाहर निकलना चाहिए है। हाँ, तो ये खबर ये सुन लो, बैंकों में रिकवरी के लिए जो बाउंसर भेजते थे अब नहीं भेज सकते, ऐसा सरकार ने निर्णय लिए। और मैं बता रहा हूँ बाउंसर लोग के बेरोजगार हो जाएंगे, वो गला पकड़ेंगे उनका। मैनेजर कहा के बोले हमें सैलरी वसूलना भी आता है। हाँ, ये तो उठा उठा के भटकेंगे। ये तो है वो, ये खबर ही मजेदार खबर, ये देखो कामानी एक्सप्रेस में सांप निकल गया। अरे भैया सांप निकला वो भी है, ट्रेवल करके अपने रिश्तेदारों वगैरह से मिलने जा रहा हो आजकल ये बारिश का मौसम है। और एक उनको पकड़ने के लिए अखिल बाबा को बुलवाया, वो उनको पकड़ के ले गए, टीसी आया था, टिकट विकेट पूछ रहा था, उसका टीसी पे फुफकार पड़ा, वो टीसी भाग गया छोड़ के। हाँ, और ये खबर ये देखो, ग्वालियर में 18 घंटे बिजली नहीं रही, तो बताओ वो लोग है ना, फिर वहाँ बिजली घर पहुँचे, उनका वहाँ मिल जाएगी, वहाँ ताला लगा हुआ था, ये तो सब चल दिया है।
आजकल तो भैया ऐसे छापे आपे पड़ रहे हैं, छापे में किसी का 1 किलो सोना, ये 10 लाख नोट निकल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, इतनी मेहनत से कमाती हो, भ्रष्टाचार करती हो, उसको अच्छे गाड़ गूड़ के रखो, उसका कोर्ट बोर्ड जैसे पुराने ज़माने में किलो विलो में रहते थे ना, जैसे बना बनू के रखो, ये तो छापे वालों को भी पता नहीं लगे। और जो पैसा जरा ज़्यादा पड़ा हुआ है उसको गरीबों में बढ़वा दो, मैं कह रहा हूँ फिर आ जाओ फिर कमा लो, उसमें क्या है। और ये खबर ये देख लो, ये कैनेडा ये कार्टूनिस्ट है माइकल डी एडर, उन्होंने ये कार्टून बना दिया ट्रंप के ऊपर, वो मैक्सिको बॉर्डर पर जो फोटो छपाता ना पिता बेटी का जो मर गए बेचारे बॉर्डर क्रॉस करते हुए रिफ्यूजी वगैरह थे, तो इन्होंने ये वो बनाया और उसके बगल में वो दिखा दिया ट्रंप को, तो अपनी गोल्फ कार्ट लिए खड़े हुए हैं और वहाँ गोल्फ खेलना चाहते हैं। ये कार्टूनिस्ट जो होता है वो संवेदनशील होता है, संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। अब उसकी नौकरी हो चली गई, बता नहीं हिंदुस्तान में तो नौकरी क्या होता है, हिंदुस्तान में तो जेल में भेज देते हैं सीधे। ये ऐसे असंवेदनशील राजनेता हुआ है, बता रहे हो कार्टून ये हंसने हंसाने की चीज़ होती है, कोई गंभीर बात हंसा के कहता है कार्टूनिस्ट, तो उसको सम्मान करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, बता रहे हो ये तो चल रहा है। और ये खबर ये देख लो, अम्बाती रायडू जो है क्रिकेटर, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, इनका वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अरे मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना कॉम्पिटिशन है, एक से एक क्रिकेटर है अपने, फिर से चांस मिलता है, संन्यास लेने की क्या जरूरत है, अभी तो आपका शुरुआत हुई है, और भी चांस मिलेंगे, ये तो रोटना मनाना नहीं होना चाहिए। और भैया मुंबई में तो यदि बारिश हुई है भलर भलर करके पूरा मुंबई लबालब हो गया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हर आदमी आजकल घरों के सामने वो सीमेंटेड वगैरह करा देता है, पानी जाने की जगह ही नहीं रहती, पानी जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ बेचारा, नहीं और भरेगा वो तो। और मैं कह रहा हूँ अलर्ट हो जाओ, अपने शहरों में ऐसा मत करो, वरना है ना आपके शहर में भी ऐसे भलल भलल हो जाएगा, और बोटों से जाना पड़ेगा ऑफिस। हाँ मैं भैया मैं भी जा रहा हूँ अपने शहर में, देखो बारिश बारिश होने वाली है, नाव वाव खरीद लूँ। नमस्कार। दंत चिकित्सक लेकर आए हैं डेंटिस्ट्री की एक नई सदी, उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस। उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस में डेंटिस्ट देंगे दांतों को खूबसूरत और स्वस्थ रखने की राय, तो आना ना भूलें। 7 जुलाई कानाफ्रंस सिटी भोपाल। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।